बहनों और भाइयों, ये जितनी भी प्रकार की अराजकता थी, ये वे लोग करते थे जिन लोगों को भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, जिन लोगों को देश के लोकतंत्र पर विश्वास था, वे मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन जिनको भारत की यह प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे लोग हर योजना में भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास करते थे। लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा, 2014 के भारत को आपने इस रूप में देखा होगा कि 2014 के भारत का भारत आज नया भारत है, दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है। 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में हम भारत को देख रहे हैं। ये नया रूप हमारे सामने है, जिस नए भारत में भी आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो बहनों और भाइयों, अब वह स्थिति नहीं कि कहीं विस्फोट होगा और सरकार कहे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब सपा बसपा के लोग समर्थन करते थे, तब कांग्रेस की सरकार कहती थी कि साहब तो सीमा पार से आतंकवाद है, और आज कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है, और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। वो नए भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये वही भारत है जिस भारत में पहले आतंकवादियों को देख करके सरकारें कहती थी कि ये तो सीमा पार से हैं। आज सीमा पार से उसका आका भी सफाई देने के लिए मजबूर होता है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में आज विकास के कार्यों को आप देख रहे होंगे। 2022 में मैं आया था, मैंने कहा था ना, गंगा मैया पे बनने वाला पुल बहुत शीघ्र तैयार होने के लिए प्रारंभ होगा। आज कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में जो नारा पहले लगता था कि फर्रुखाबाद ही चूसे गन्ना, अब वह नहीं होगा, फर्रुखाबाद भी एक्सप्रेस के साथ जुड़ेगा। हम एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है। बहनों और भाइयों, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना के साथ साथ विकास की योजनाओं को भी एक लंबी फेरस और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, और अगर कोई गरीब बीमार होता, हमारा विधायक, सांसद, कोई पदाधिकारी, पूर्व विधायक या कोई कार्यकर्ता या पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है
कि हम बीमार हैं, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो बहनों और भाइयों उस व्यक्ति के लिए हम वहीं से जनधन अकाउंट में, जो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला है, उसी में लखनऊ से सीधा पैसा भेजते हैं, कहते हैं अपना उपचार कराइए, आराम से उपचार कराइए, जितना पैसा लगेगा सरकार देगी। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए, देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है, और बहनों और भाइयों यही नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान, और मोदी जी ने कहा है बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी हम आवास की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष में दे देंगे। ये विकास की जो योजनाएं चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सुरक्षा और सम्मान का जो बेहतर माहौल बना है, बहनों और भाइयों इन सब को जोड़ते हुए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और दूसरी तरफ एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने वाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टियां हैं। बहनों और भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस सपा बसपा के लोग करा पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण होने पे आप खुश हैं? क्या कितने लोग अयोध्या गए हैं? अरे ये तो पूरा ही कायमगंज गया है, बाकी जो लोग बच जाएंगे, मैं यहां के विधायकों से और मुकेश राजपूत से भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी लोगों को अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाएं। आज आपको अयोध्या नई अयोध्या दिखती होगी, त्रेता युग फिर से स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों ये मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो है ही नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आज लाखों लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, देखा ना आपने, कर रहे हैं ना, ये है नया भारत। बहनों और भाइयों आपकी आस्था का भी सम्मान है, कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण है, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है, और इस नए भारत में एक तरफ गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं सबके सम्मान और उनके संरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है जो आपके हकों पर डकैती डालने की योजना बना रहा है। बहनों और भाइयों जब सपा और कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी तब इन लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची थी, तब इन लोगों ने प्रयास किया था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बन लेकर के लोग आए थे, रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है, और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों वोट में जिहाद नहीं होता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे, और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, ये अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार न केवल आपकी
आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल कर सके, और वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आत्मनिर्भर होगी, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, हर श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, और इन सभी तबके का आत्मनिर्भर होने का मतलब विकसित भारत, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर महिला का स्वावलंबन, हर व्यापारी के व्यापार को वैश्विक मान्यता मिलना, हर श्रमिक के कार्य को सम्मान मिलना, हर अन्नदाता किसान को अभिनंदन होना, यह एक विकसित भारत की संकल्पना है। और उसी संकल्प के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, चुनाव यहां पे तीसरे चरण में आपको मतदान करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने श्री मुकेश राजपूत जैसा सहज और सरल व्यक्ति को आपके बीच चुनाव के लिए उतारा है, अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन इन्हें प्राप्त है, और इसलिए मुकेश राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। आपसे मैं अपील करूंगा, आप आशीर्वाद देंगे ना मुकेश राजपूत को? सभी लोग देंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, केवल यहीं तक काम नहीं चलने वाला है, यहीं पे काम नहीं चलने वाला है। देखो, एक काम आप करिए, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के और मेरा संदेशा लेकर के घर घर जा पाएंगे। अगले दो दिन प्रचार के लिए आपको मिलेंगे, प्रचार कार्यकल्प सायंकाल बंद हो जाएगा, लेकिन दो दिन घर घर जा सकते हैं, और घर घर लोगों को बताना कि मोदी जी और योगी जी ने कहा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए फरुखाबाद से मुकेश राजपूत आवश्यक है। सहमत है ना? सहमत है ना? घर घर जाएंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक 7 मई को पहला काम क्या होना है, पहला मतदान का, पहला मतदान, और फिर पहला मतदान क्या बोले मेरे साथ बोलेंगे, पहले मतदान और फिर जलपान। सबसे पहला काम क्या होना है, 10 बजे तक आपके गांव, आपके बूथ का 50% मतदान हो जाए। करेंगे सभी लोग? करेंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। देखो, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा कि वे जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे जहां तक आवाज जा रही है। सभी लोग सहमत है ना? कमल चुनाव चिन्ह पर जिता करके भेजेंगे। तो बहनों और भाइयों, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, मुकेश राजपूत को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।